तो वहीं हरियाणा कांग्रेस में एक मुश्किल कम नहीं होती, तो वहीं दूसरी मुश्किल सामने आ जाती है। आपको बता रहे कि गुटबाजी ऐसी है कि कितनी भी पर्दा डालो छुपाई नहीं छुपती है, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज खुद ही सरेआम बगावती तेवर सभी को दिखाते हैं। हाल ही में हरियाणा कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष, या यूं कहें कि हुड्डा खेमे से उदयवान की ताजपोशी कुलदीप बिश्नोई को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है, और वो कह रहे हैं कि मुझे जवाब चाहिए। देखिए, हरियाणा कांग्रेस उस अंगारे की तरह है जिस पर हवा का एक झोंका पड़ते ही वो फिर से दहक उठती है, क्योंकि यहाँ भीतर खेमे में चलती जंग वक्त दर वक्त जग जाहिर हो ही जाती है, और अक्सर आला कमान का एक फैसला इस आग में घी डालने का काम कर ही देता है। हरियाणा कांग्रेस में अगर कोई बड़ा फैसला होता है तो किसी के घर दिया जलता है और किसी के घर अंधेरा। यहाँ जश्न एक गुट मनाता है तो दूसरे गुट में मायूसी छा जाती है। कांग्रेस आला कमान ने लंबे वक्त से चल रही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद के अटकलों पर विराम लगाते हुए बुधवार को हुड्डा के करीबी माने जाने वाले उदय भान को प्रदेश की कमान क्या सौंपी कि कुलदीप बिश्नोई का दर्द छलक उठा और बज उठा बगावत का बिगुल, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का नाम हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष बनने की रेस में सबसे आगे था। यहाँ बाजी कब पलट जाए कहना मुश्किल है। कांग्रेस के दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई ने बागी तेवर अपना लिए हैं। कुलदीप बिश्नोई हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नहीं बनाए जाने से नाराज हैं। उन्होंने ट्वीट कर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि साथियों, आप सबके संदेश सोशल मीडिया पर पढ़ रहा हूं। आपका अपार प्यार देखकर मैं अत्यंत भावुक हूं। आपकी तरह गुस्सा मुझे भी बहुत है, लेकिन मेरी सबसे प्रार्थना है कि जब तक मैं राहुल जी से जवाब ना मांग लूं, हमें कोई कदम नहीं उठाना है। अगर मेरे प्रति आपके मन में स्नेह है तो संयम रखें। वहीं मीडिया पैनलिस्ट और शाहबाद के पूर्व विधायक अनिल धनतोड़ी ने ट्वीट करते हुए कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अपने खड़ाऊ रख दिए। आदमपुर के विधायक बिश्नोई कई दिनों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से अपनी गहन पैरवी की कवायद के तहत मुलाकात कर रही थी। 26 अप्रैल को उन्होंने दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। उन्होंने 24 अप्रैल को एआईसीसी की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की। हालांकि तब उन्होंने कोई खुलासा तो नहीं किया, लेकिन वेणुगोपाल से मुलाकात के बाद बिश्नोई ने जरूर कहा था कि जो चर्चा हुई उससे वो संतुष्ट थे और बैठक सकारात्मक थी। ऐसे में जब सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हों और अचानक से सियासी शतरंज में शह और मात मिल जाए तो दिल पर क्या गुजरती है, इसका अंदाजा कुलदीप बिश्नोई के ट्वीट से लगाया जा सकता है। तभी वो राहुल गांधी से कह रहे हैं कि मुझे जवाब चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि हरियाणा कांग्रेस में दिग्गजों के बीच चल रही वर्चस्व की इस जंग में और कौन कौन से मोड़ देखने को मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।